ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। 9ଟି ଜିଲ୍ଲାର 55ଟି ଆସନରେ ହେବ ଭୋଟିଂ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 55ଟି ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 586 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି ଭାଜପା, ଏସ୍ପି, ଆର୍ଏଲ୍ଡି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ, ବିଏସ୍ପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ। 2017ରେ ଏସବୁ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଜପା ଖାତାକୁ 38ଟି ଆସନ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମତଦାନ କରିବେ ଓ ଭାଜପାକୁ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିଜୟୀ କରିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲିଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। यह हम लोगों का संकल्प पहले से रहा है कि हम जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। बहनों भाइयों, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। हमारे यहां व्यक्ति के अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन दावे के साथ मैं कहता हूं हमारी पार्टी में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। नेतृत्व ने बराबर यह सावधानी बरती है कि जो जनता से वादे किए जाए उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए, बराबर सावधानी बरती है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951, लोगों को याद नहीं होगा, बहुत सारे लोग बाद के पैदा हुए हैं, मैं भी उस समय नहीं था, लेकिन उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करती थी और उसके नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम लोगों के हुआ करते थे। वही जाकर बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। उस समय उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर देंगे। द्वितीय पर्यायरे उत्तर प्रदेश रा सहारनपुर, रामपुर, बिजनर, अमरावती, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं एवं शाहजहानपुर रा 55टी विधानसभा आसन निर्वाचन अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। एहा सहित फेब्रुअरी 14 रे उत्तराखंड ओ गोवा रे मध्य गोटिए पर्यायरे मतदान अनुष्ठित हेबो। स्वच्छ एवं अबाध निर्वाचन लागि विभिन्न मतदान केन्द्र गुडीकु कर्मचारी मानकु पठाइबा कार्य आरंभ होइतिबार सूचना मिलछि। नहीं, मैं सभी से कहूंगा कि सभी लोग एक तो 100% मतदान के लिए आए, और मतदान बहुत जरूरी काम है, और सबको अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को सभी मतदान के लिए लाना है। प्रातःकाल सबसे पहले सबको मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। ऐसी सरकार चुननी है जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, जो सरकार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार हो, जो उत्तराखंड का विकास करने वाली सरकार हो, ऐसी सरकार जो केंद्र की सरकार के साथ कदम ताल करे, यानी कि उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाए, और ऐसी सरकार चुनने का जो है सभी को राइट है। सभी लोगों को आगे आकर, अब चूंकि ये 5 वर्ष में आने वाला महायज्ञ है, सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। तेरे द्वितीय पर्याय मतदान पूर्व प्रधानमंत्री यूपी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र में जनता को संबोधित कर फेब्रुआरी 20 रे पंजाब रे निर्वाचन हेबाकु थिबारु आज लुधियाना ठारे निर्वाचन रैली को संबोधित करिसंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।